डाला जा रहा है हर दिन 10-15 कैटेगरीज तो बनते ही होंगे और इसी में राजा व्लॉग्स आपको तो पता ही होगा, वही जो अपने शादी का पूरा व्लॉग डाल दिए थे और उसके बाद एकदम 2.5 से 4 मिलियन फॉलोअर्स कर लिए हैं अपना, वो यूट्यूब पे व्लॉग्स भी डालते हैं और उन्होंने बहुत सारे व्लॉग्स डाल रखे हैं जिसमें से एक व्लॉग का नाम है नाइट में वाइफ को पीरियड आ गया, दर्द से हुई रो रो कर परेशान। पता है मेरे को पहले इस पे दया आ रही थी कि ये बिहार से है भाई, कोई बात नहीं, बोला है अच्छा सपोर्ट करो भाई, लेकिन मेरे को अब पता चला ये भोला नहीं मैं चुतिया हूँ। जो मैंने इनको भोला समझा, इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि किस टाइप का टाइटल डालने पे व्यूज आने ही आने हैं। इनका हर एक टाइटल तुमको कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप का लगेगा। 18 घंटा पहले जो व्लॉग डाला है उसपे लिखा है, क्या मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया है, घर कभी नहीं जाऊंगा, वाइफ को लेकर मेरे ससुर जी ने दिया सरप्राइज, बुरा हुआ आज तो फाइनली इस घर का डील फाइनल हो गया, वाइफ के साथ होली का ढेर सारा शॉपिंग किया। चलो ये एकदम सिंपल है इसीलिए इस पे व्यूज भी कम है। फाइनली ये घर खरीद लिया हमने, 4 दिन में 2 घर खरीदा है भैया ने। फाइनली गुड न्यूज आ गया वाइफ के लिए। बताओ तुम क्या सोचोगे इस टाइटल को पढ़ के? तो भोला ये नहीं चुतिया हम है। क्या हुआ इनको जो पीरियड है, और पीरियड इतनी तेज है ना कि मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, बहुत दर्द होता है इनको। मैं आज अपना 2 गिल्टी प्लेजर्स आपको बता रही हूँ। पहला तो है कॉफी विद करण देखना, सारे सीजन हर एक एपिसोड देख दिया मैंने, और दूसरा है राजा व्लॉग्स देखना। मैंने इनके व्लॉग्स फॉलो करे हैं, मतलब हर एक व्लॉग देखा है मैंने और मम्मी ने, हम दोनों इनके व्लॉग्स देखते भी और गिरियाते भी है, क्योंकि इनका हर एक व्लॉग ऐसे ही शुरू होता है, एक छोटा सा पार्ट रहेगा वीडियो से जो थोड़ा सा गुमराह करने लायक हो ऑडियंस को, जैसे इनको रो रो कर बहुत ये वो पीरियड वगैरह ये क्यों रख दिया है पूरे वीडियो में, इस बारे में कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा जितना आगे दिखाया उतना ही बात हुआ है बाद में भी, और उसके बाद तो इनकी वाइफ खुश होकर खा रही होती है थरिया भर खाना। राजा व्लॉग्स अपने आप को बहुत ही समझदार दिखाना चाह रहा है ऑडियंस को, लेकिन वो है नहीं भाई। देखो मैं खुद एक लड़की हूँ, लेकिन मैंने आज तक शायद इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करी, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन सब चीजों के बारे में बात करने से शर्माती हूँ, लेकिन मेरे को लगता है उतना हल्ला मचाने वाली चीज भी नहीं है ये। और इनकी देवी जी भाई, वो नई होके भी मैं खुद शॉक्ड हूँ कि कौन इतना कंफर्टेबल होता है नया होते हुए कैमरा के सामने, वो भी फुल सपोर्ट करती है। ये बीवी ने ये कंटेंट लाया है भाई, हर रोज वीडियो बनाते हैं ये लोग, इन लोगों का डेडिकेशन को सल्यूट है, लेकिन कुछ भी कर रहे हैं यार। छोड़ो फेड़। गाइस आपको वन वन के बारे में तो पता ही होगा, इन्हीं लोगों ने टीम एक्स पार्क को स्पॉन्सर किया था, जहाँ पे लाखों अमेजिंग गेम्स है, और अगर आपको भी सारे गेम्स को एंजॉय करने तो डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे टैप करो और जाके इन सारे गेम्स को खेलो। मेरा पर्सनल फेवरेट गेम यहाँ पे है लकी जिट, जहाँ पे हम लोगों को गेस करना होता है कि फ्लाइट ऊपर जा रहा है या नीचे गिरेगा, और फ्लाइट को गिरने से पहले हमें उसको कैच करना रहता है। गाइज मेरे पास यहाँ पे 1000 डायमंड्स है, जिसमें से मैं 500 यूज करूंगी और मैं पहला राउंड को प्ले करूंगी, और यहाँ पे आपको जैसे लगे कि पायलट अब इससे ऊपर नहीं जा सकता तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करके ब्रिंग आउट कर सकते हैं। गाइज अगर आप मेरा दिया प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको बोनसेस भी मिलेंगे रजिस्टर करने पे। सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो जॉइन वन विन नाउ। ओके का जो है कल से तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग जब गोल्डन प्ले बटन अनबॉक्स किए हैं, ये सब चीजें काफी लोग जो है ना शर्माते हैं बताने में या फिर सोशल मीडिया पे शेयर करने में। मॉडर्न दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सेम वीडियो में, और सेम वीडियो में इनकी पत्नी इनका पांव छूती है तो इनको खुशी होता है। चलिए आज के प्यारा व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मम्मी पापा जी से हम आशीर्वाद लेते हैं, और इधर देवी जी है, खुश रहिए, हमको ना बड़ा अच्छा लगता है, हम मम्मी पापा का पांव छूते, देवी जी हमारा पांव छूते तो बड़ा एकदम गर्व फील होता है। मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि इतनी बड़ी चीज भी नहीं है ये, मेरे को पता है बहुत सारी लड़की ऑफेंड वाले भाई तेरे को नहीं आता है तो ये वो, मेरे को सच में नहीं लगता है ये वैसी चीज है। अब है तो है भाई, तुम वैसे ही बिल्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि इस चीज से सिंपथी ले लो बे। अब पीरियड्स एक्चुअली मेरे को लगता है वो मूड स्विंग्स वाली चीज है, थोड़ा हार्मोनल चेंजेस वाली चीज है जो कि होता है लोगों के साथ, और लोगों के साथ लड़कियां ऐसे रिएक्ट करती हैं इस चीज को लेके, और लड़के वैसे रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि दे आर नॉट बिल्ट लाइक दैट, लेकिन वो मूड स्विंग्स वगैरह तो होते ही है, सबके साथ होता है भाई, उसको भी मैं ऐसे ही काउंट करती हूँ। और राजा व्लॉग्स इस चीज को ऐसे बता रहे हैं जैसे बहुत बुरी चीज है ये, बहुत बुरा हुआ, बहुत गंदा फील होता है ये, वो भाई जैसे किसी और ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा ये। मुझे लगता है कि इसे सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहिए, इसका पीड़ा जो होता है ना बहुत ही होता है, और इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि मुझे बर्दाश्त से बाहर हो गया। अभी कल हम गए हैं पैड लेकर के आए हम, इतना दुखी क्यों हो रहा है?
शुगर वाला तेरे को नहीं हुआ? अभी कल हम गए हैं, पैड लेकर के आए हैं। मैं पैड लेकर आया? ये भी कोई बताने वाली चीज है? इतना दुखी हो रहा है अपनी देवी जी को रोता देख के, तो तेल मालिश करो, उस दिन खाना बना दो उनको, कोई काम नहीं करने दो, इतने दिन पूरा आराम दो। कर पाओगे ये सब? नहीं नहीं कर पाओगे, तो ये सब बता भी क्यों रहे हो इंटरनेट पे? छी, बात ये भी है कि अगर यही सारी चीजें कोई अंग्रेजी में बोल के गया होता तो लोग उनको ऐसा गरियाते नहीं, लेकिन मेरे को वो भी चूतिया लगते हैं और ये भी चूतिया लगते हैं। और जिन लोगों को फिर भी लग रहा हो कि नहीं भाई ये बहुत अच्छा आदमी है जो इसने गांव से होके भी ऐसा अवेयरनेस स्प्रेड किया है इस चीज को लेके, और बहुत जागरूक आदमी है, बहुत जागरूक हस्बैंड है, इनका एक और वीडियो है जिसका टाइटल है मेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया किसी लड़का ने, न्यूज बॉय और नियॉन मैन को टैग। और फिर क्या हुआ, नियॉन मैन और न्यूज बॉय ने इंसाफ दिलाया कि नहीं? किस तरीके से कपड़ा फहराइए, देखिए मेरे बहन को उठा करके ले जा रहे थे सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए, ये लोग इतने पैसे और हम इतने लालची हो गए हैं, गिर गए हैं वोट के लिए हम। आप लोग इस करते हैं उस करते हैं, मेरे बहन को बलात्कार करने का कोशिश किया भाई, सब लोग समझ गए थे, वो लड़की भी थी, देखिए आप लोग, वो देखिए मेरा बहन को बलात्कार न करने की कोशिश की जाए। सब अगर ऐसा कुछ सीन हुआ है तो मेरे को नहीं लगता कि वीडियो डालने की जरूरत है, मेरे को लगता है इसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया पे नहीं लिया जा सकता, जिसके लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, कोर्ट के लिए हम। आप लोग इस करते हैं उस करते हैं, मेरे बहन को बलात्कार करने का कोशिश किया भाई, ये जैसे चिल्ला रहा है मेरे को लग रहा है बात सही हो सकती है, अगर मैं फिर से चूतिया नहीं बन रही हूँ तो। लेकिन ये बहुत सीरियस कंसर्न है भाई, इसके लिए कोई वीडियो कैसे बना सकता है बे? इतना ही बस इतना ही वीडियो बनना था एक मिनट का, और वो ले जाके तुम प्रूफ में दिखा सकते थे पुलिस को। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि लोग के साथ इतना बुरा हो जा रहा है, फिर भी लोग सोच रहे कि नहीं नहीं वीडियो डालना इम्पोर्टेंट है। गाँव के लोगों को लोग भोला समझते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे को पता है गाँव के लोग कैसे होते हैं, मैं बता रही हूँ ये लोग भोला नहीं होते, बहुत आराम टाइप के होते हैं गाँव के लोग, बहुत कम लोग ही भोले रह गए हैं इस धरती पे। तो जलन वलन वाली चीज समझ में आ रही है, लेकिन ये एक साल लगभग एक साल पहले का वीडियो, और मेरे को नहीं लगता कि तब इतना तरक्की हुआ था आपका। ये सारा तरक्की तो मैं इनके शादी के बाद का ही देख रही हूँ। कुछ दिन पहले हमारे घर पे घटना हुआ था, जो धनेश राम के पोता बेटा सभी लोगों ने हमला करने की कोशिश किया था कि तुम वीडियो बनाना बंद कर दो। दो दिन पहले मेरे घर में घटना ये हुआ है, अभी मैं जस्ट आया, मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया हूँ, देख करके मेरा हालत खराब हो गया। छुटकी को देखिए किस तरीके से मारा, कपड़ा फार करके। मेरे को सच में आइडिया नहीं लग पा रहा कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है या क्या, क्योंकि इन्होंने 16 मिनट का ये वीडियो डाला है समझा के। इस चीज के बारे में कोई कैसे लोगों को बता सकता है यार? अगर गांव का ही कोई होगा और शादी होने वाली है बहन की या हो गई है जो भी, तो गांव के लोग तो और खराब ही समझेंगे ना, जब तुम अपने गांव वालों को जानते ही हो कि इतने हरामी है, तो ये सब चीजें डालने की भी क्या जरूरत है यार? कौन रुक जाएगा ये देख के? और पता नहीं क्या बमक जाए, अगर ये रियल हुआ तो बोलेंगे कि ये मेरे को वीडियो में क्यों दिखाया, और बमक जाएंगे और गंदा सीन हो जाएगा। कुछ भी कर रहे हैं भाई ये लोग। एक महीने पहले राजा व्लॉग्स में डाला था वाइफ को पीरियड आ गया वाला व्लॉग, और उसके 1 मिलियन व्यूज चले गए थे, तो इन्होंने सोचा इस महीने का भी डाल देता, और इस महीने भी उन्होंने डाला है। अचानक वाइफ को पीरियड अचानक ही आता है, किसी को पहले से पता नहीं रहता है कि कब आ जाए। सारी रात रोती रही, और तुम खुद देख लो कि इस पूरे लाइन में सिर्फ इसी वीडियो पे व्यूज है अच्छे खासे। मैं इनको भोला नहीं मानती भाई, मेरे को लगता है हर महीने अब राजा व्लॉग्स के चैनल पे एक ऐसा व्लॉग आने वाला है कि अचानक वाइफ को पीरियड आ गया, रात भर रोती रही, आज रो रो कर बुरा हाल हो गया वाइफ का, और मैं आंसू पोंछने से पहले कैमरा ले आया। क्या हो गया? क्योंकि देवी जी का जो हर महीने तबीयत खराब हो जाता है, हर महीना तबीयत खराब हो जाता है, ये आपकी देवी जी अकेली नहीं है। मॉर्निंग से सवेरे से इनका जो है तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने कहा कि आप आराम कीजिए, पूरा देह जो है ना गर्म है, पेट दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। गर्ल्स प्रॉब्लम नहीं है बहन, ये प्रॉब्लम एक्चुअली बाकी लोगों में है, जिनको लगता है कि दया तो आ रही है लेकिन इसकी मदद नहीं कर सकते हम। ऑन द फर्स्ट प्लेस मेरे को लगता है दया ही नहीं आनी चाहिए, और अगर सच में कभी कभार वैसा सिचुएशन हो जाता है, ये हमेशा नहीं होता है गाइस, बीइंग अ गर्ल आई एम टेलिंग यू दिस, ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभार अगर वैसा सिचुएशन हो जाता है तो नहीं कराओगे, ब्लॉग करके यूट्यूब पर डालने की जरूरत नहीं है, उससे उनका पेट दर्द ठीक नहीं हो जाएगा। पैड का पैसा निकाल रहे हो बे। राजा ब्लॉग्स की 5 बहनें हैं गाइस, और एक माँ भी है, उनके घर पे इनकी बीवी के अलावा ऑलरेडी 6 औरतें थी टोटल। लेकिन राजा ब्लॉग्स को पहले नहीं सूझा कि ये अवेयरनेस स्प्रेड कर दूं मैं, क्योंकि क्या है ना गाइस, बहनों पे प्यार नहीं आता है, और बहनों को अचानक से पीरियड्स भी नहीं आता है लगता है, इनकी बहनें डेट लिख के रखती है
होंगी और समय भी कि समय आने वाला है। इन लोगों ने ये सारी चीजों का उल्टा मजाक बनाया है और स्प्रेड करने की जगह अकेले ही व्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि देवी जी का जो है हर महीने तबीयत खराब हो जाता है, इसी वजह से इनका जो है तबीयत ठीक नहीं है। देवी जी की तबीयत ठीक नहीं हो गई है थोड़ी सी धूप सेकने के लिए, और आज जो है रील शूट नहीं करना है क्योंकि देवी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। थोड़ा सा तबीयत ठीक है उसके बाद जो रील वगैरह शूट करेंगे। पूरे वीडियो में हर एक लाइन के बाद देवी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि देवी जी की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आज अचानक से। अरे बस कर भाई, मेरे को लग रहा है भाई ये हर एक चीज को इतना अचानक अचानक बोल रहा है। एक दिन इसकी बीवी प्रेग्नेंट होगी और उसका टाइटल भी यही डालेगा कि मेरी बीवी अचानक प्रेग्नेंट हो गई। दोस्तों देवी जी का तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एक थड़िया खाना बीवी का पेट दर्द कर रहा था और लाने के बाद एकदम खुश हो गई। देखो इनके वीडियो पे भी सैनिटरी पैड्स का ऑर्डर। यूट्यूब पे समझ गया है कि पीरियड्स के ब्रांड एम्बेसडर राजा व्लॉग्स ही हैं, इनके चैनल पे ही चलाओ। मैं बता रही हूँ हर महीने इनका वो पीरियड वाला व्लॉग आने वाला है, लिख के ले लो तुम। मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया है, मेरे माता पिता ब्लॉग में क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं अपना घर क्यों नहीं जा रहा हूँ। पता है ये आगे जाके ब्लॉग में क्या बोलेगा कि ऐसा लोग बोल रहे हैं कि मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया है, मैं ये वो बता नहीं रहा था, लेकिन जो कोई पहली बार ब्लॉग देखा है उसको लगेगा कि ये वो बता रहा है। पता है इसने क्या करा, पहले ये बोला कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ बस अपनी बीवी को घुमाने, फिर जाके वहाँ पे कुछ दिनों से है मतलब हफ्ते भर से, और वहाँ जाके घर ढूंढ रहा है, और फिर लोगों को ये भी बोल रहे हैं नहीं नहीं हम अपने घर तो जाएंगे। लोगों को अभी तक इसने ये नहीं बताया कि वो अपने ससुराल ही शिफ्ट होने का सोच रहा है अब, क्योंकि अपने बीवी के घर के आसपास ही ये नया घर ले रहा है। और फिर उसी बात को लेके ये रोएगा भी अपने ब्लॉग्स में कि लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। भाई तू अगर तेरे गाँव वाले इतने ही हरामी है तो ये भी बोल सकता था कि नहीं मैं अपने गाँव नहीं रहूंगा और मैं शिफ्ट हो रहा हूँ दूसरी जगह, तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये अभी बोल भी नहीं रहा है इस बात को, पर कर भी वही रहा है। वीडियो शूट करने के लिए आए हुए हैं देवी जी के नानी के घर पे, ये देखिए देवी जी आते ही रोटी बनाने लगी। हमको निकलना थोड़ा मार्केट घर देखने के लिए, वो वाला जो घर है ना वो भी लेंगे जो आपको हम कल व्लॉग में दिखाए हैं। लेकिन बात तो सही है गाइस, शादी होने के बाद ही इनको क्यों शिफ्ट करना है कहीं और, इनकी बहन के साथ इतना गंदा सीन हो गया था फिर भी ये उसी गाँव में रह गए, और अब शादी होने के बाद ही। मैं तो भाई फुल ड्रामा ढूंढ रही हूँ, इनके व्लॉग्स में भरपूर है जो कि मैंने बताया ना, मैं कॉफी विद करण देख रही हूँ ड्रामा और राजा व्लॉग्स देख रही हूँ फुल ड्रामा। यहाँ से कम शांति सुकून से तो रह पाएंगे अच्छे से, बस हम लोग यहाँ इसलिए रहना चाहते हैं कि हम लोग खुल के वीडियो बना सके। और कितना खुल के, कौन रुकावट बन रहा है आपके वीडियो में भाई, मैंने इससे ज्यादा खुला यूट्यूबर देखा ही नहीं आज तक। लेकिन गाइस कोई कुछ भी करे, ड्रामा करे या ना करे, उससे क्या हमारा तो हमारा तो वीडियो बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो कर दो लाइक, कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको नया पार्ट चाहिए तो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी जाके फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।